राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग का श्लोक 1 देखते हैं। सबसे पहले अध्याय की शुरुआत है, इसलिए ये चीज बोली जाएगी। ओम श्री, ध्यान दें, श्र आधा, श से शलजम और र है पूरा। ये जो छोटी सी मात्रा दिख रही है इसे बोलते हैं र। ये है श आधा, ये है र पूरा, श्र। अब जो र पूरा है उस पर लग गया बड़ी ई की मात्रा, तो इसको बोला जाएगा श्री। जो भी बड़ी मात्रा होती है उसको उच्चारण में दीर्घ करना है, अधिक समय देना है। ओम श्री, इस शब्द पर ध्यान दें, प पूरा र पूरा। तो जो भी अक्षर पूरा होता है उसमें हम क्या मिक्स करते हैं, अ पर प र। मा, मा के बाद है आधा, त मात मनी। वापस ध्यान दें, पर मात मनी। अब इस जगह पर न, न पूरा है और म है, न म। दोनों अक्षर पूरे पूरे हैं तो दोनों में आपको अ मिक्स करना है। न म, ये है विसर्ग, म में अ की मात्रा है तो इस विसर्ग को पढ़ा जाएगा ह। पहली लाइन वापस ध्यान दें, ओम श्री पर मात्मनि नमः। अथई, थ पर ऐ की मात्रा है, ऐ की मात्रा तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, थई। अथई का दशो, द पूरा इसलिए द पर अंडरलाइन की है। अथई का दशो, ये क्या गया, अवग्रह। अवग्रह का अर्थ होता है विराम देना। यहां पर आपको शो की मात्रा को जब आप लंबा खींचेंगे तो यहाँ एक विराम हो जाएगा, क्योंकि आप इसी शब्द पे रुक गए ना, इसीलिए इसको उच्चारण में दीर्घ कर दीजिए। अथई कादशो, ध आधा या आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा जाता है, ध्या। य पूरा दिख रहा है आपको, ध्या के बाद य में अ मिक्स करेंगे, ध्याय। विसर्ग है, य में अ की मात्रा है तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, ध्याय ह। वापस देखिए इस लाइन को, अथई कादशो ध्याय ह। अर अ, ज पर जो ये मात्रा ये है आधा र, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ेंगे अर जु न, अर्जुन उवाच। मात्रा छोटी, लंबा नहीं खींचे, अर्जुन उवाच। वापस इन तीनों लाइनों को एक बार देख लेते हैं। ओम श्री परमात्मनि नमः, अथई कादशोऽध्यायः, अर्जुन उवाच। अब पहला चरण, मदनु, म अक्षर पूरा, द पूरा, मात्रा नू पे छोटी, इसलिए जब भी मात्रा छोटी होती है उसको आप पिछले अक्षर के साथ पढ़ लोगे ना तो आपकी मात्रा बड़ी नहीं होगी। मात्रा छोटी करने का मतलब कि उसको उच्चारण में कम समय देना, ठीक है। तो इसको कैसे बोलेंगे, म दनु म दनु म दनु। ग्र, ध्यान दें, जैसे श्र में श आधा था र पूरा था, वैसे यहां पर ग आधा है, ग से गमला वाला, और ये जो मात्रा दिख रही है ये है र, ये र पूरा है, इसको पढ़ेंगे ग्र ग्र, ठीक है। आधा ग और र पूरा, र पूरा इसलिए र में अ मिक्स किया है, ग्र। हा य, य अक्षर पूरा, वापस य में भी क्या अ मिक्स करेंगे, ग्रहाय। प र, वापस वही चीज जो परमात्मा में था, प पूरा र पूरा दोनों अक्षर में अ मिक्स किया, पर म। म के ऊपर है अनुस्वार, क्योंकि ये शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर है ये अनुस्वार, तो इसको पढ़ेंगे आधा म, पर मम पर म, ये पूरा दिख ही रहा है और ये अनुस्वार है आधा म, तो पर मम। पहला चरण वापस ध्यान दें, मदनु
ग्रहाय परमम। वापस, मदनु ग्रहाय परमम। दूसरा चरण गु ह, ये ह है आधा। आप बोलेंगे कि कैसे, ये तो ह ही दिख रहा है, इसके नीचे हलंत भी नहीं दिख रहा। देखिए इधर इस साइड में देखिए, ह पूरा ऐसे होता है, जब ह के अंदर ये जो मुड़ी हुई चीज होती है ना, ये होती है पूरा है। और जब ह में ये मुड़ी हुई चीज ना हो के ह ऐसे लिखा जाता है तो ये होता है आधा है। आप यहां ध्यान दें, ह ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे ये है, इसीलिए यहां लिखा है कि दूसरे चरण में ह आधा है। गु पूरा अक्षर, ह आधा अक्षर, आधे को पूरे के साथ पढ़ा गु गु। ह आधा है ना, तो आधे में अ मिक्स नहीं करना। य पूरा अक्षर, य में अ मिक्स करेंगे, कैसे पढ़ा जाएगा इसको, घुय घुय घुय। ह आधा है ना, घुय। म आधा ध, आधे को पूरी के साथ पढ़ा मध। या आधा त और म, आधे को पूरी के साथ पढ़ा त्म। मध्यात्मा मध्यात्मा, जो भी पूरा अक्षर है उन सब में अ मिक्स करना ना भूले। अब इधर ध्यान दें, स ये चीज जो है ये है अनंग, जो हमने पहले भी बोला था कि इसका काम होता है इसके पिछले अक्षर पर अनुनासिक लगाने का। ये चीज स है, ये यहां पर इस पर बिंदी लगा देगा, ये वाली चीज सिर्फ ये यहां पर इस पे एक बिंदी लगा देगा, जैसे ये बिंदी है ना वैसे ये, इस बिंदी को बोलते हैं अनुनासिक। नासिक क्योंकि यहां पर नाक से न निकलेगा, न का उच्चारण। स फिर आधा न, सन। ग्य, ग्य पर ई की मात्रा, संगी। समझ आया, ये इसने क्या काम किया, इसके पिछले अक्षर पर बिंदी लगा दी, जिसे अनुनासिक कहते हैं। ये अनुस्वार था जो पूरे शब्द के बाद लास्ट वाले अक्षर पे था, इसलिए इसको आधा म पढ़ा था, और इसको आधा न पढ़ेंगे क्योंकि ये शब्द के पहले वाले अक्षर पर है। पहले या बीच के किसी भी अक्षर पे होगा ना तो उसको आधा न ही पढ़ा जाता है। संगीतम, त पूरा म आधा, म के नीचे हलंत दिख रहा है तो ये म आधा है, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है संगीतम। दूसरा चरण वापस, घुया मध्यात्म संगीतम। अब हम पहला चरण और दूसरा चरण साथ में पढ़ेंगे, सभी साथ में जरूर पढ़ने की प्रयास करें, इससे आप लोगों में सुधार आएगा। मदनु ग्रहाय परमम, घुय घुय मध्यात्म संगीतम। अब तीसरा चरण, य पूरा आधा त, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा यत, फिर वापस आधा त और व पूरा, आधे को पूरे के साथ पढ़ा। आप बोलेंगे इधर भी आधा और इधर भी आधा, तो हमने क्या किया, एक आधे को इसके इधर पूरे अक्षर के साथ पढ़ लिया और एक आधे को इधर पूरे अक्षर के साथ पढ़ लिया। दोनों के बीच में डैश इसलिए लगाए क्योंकि ये पूरा एक ही शब्द है। यत्व, दोनों त का उच्चारण आना चाहिए, यत्व। व पूरा था इसलिए व में अ मिक्स किया, यत्व। यो, यो के बाद है आधा क, आधे अक्षर को पूरे के साथ पढ़ा योक। त पूरा, वापस ये अनुस्वार, क्या कहा गया था शब्द के लास्ट वाले अक्षर पर होगा तो इसको पढ़ेंगे आधा म, आधा अक्षर है पूरे के साथ पढ़ेंगे तम, योक्तम। व पूरा, तो व में अ मिक्स करें व। च पूरा आधा सचस तीन, वचस तीन, आधा स च के साथ पढ़ लिया वचस तीन। तीसरा चरण ध्यान दें, यत्व योक्तम वचस तीन। अब हम देखेंगे चौथा चरण, मो हो। अब यहां ह पर ध्यान दें, इस वाले ह में अंदर मात्रा मुड़ी भी नहीं थी, आधा ह था। यहां देखिए अंदर मात्रा मुड़ी भी दिख रही है, हमने कहा जब भी अंदर मुड़ा हुआ होगा उसको हम बोलेंगे पूरा ह। ये पूरा ह हो गया मोहो, ये है अवग्रह। हो को लंबा खींचना है, अभी बताया गया था यहां पर आपको इसका क्या काम होता है, ये रहा यहां पर था अथ एकादशों में। मोहो यम, य लास्ट वाले अक्षर पर है,
अनुस्वार तो इसको पढ़ेंगे आधा म। मोहोयम, हो को लंबा खींच लिया ना अवग्रह के कारण, मोहोयम। वी मात्रा छोटी लंबा न खींचे, ग अक्षर पूरा है, ग में अमिक्स करेंगे, विगतो विगतो मम। दोनों अक्षर पूरे पूरे हैं, दोनों में अमिक्स होगा इसलिए दोनों पे अंडरलाइन अलग अलग लगाइए, मम। चौथा चरण ध्यान दें वापस और उच्चारण करें साथ साथ, मोहोयम विगतो मम। अब हम तीसरा चरण चौथा चरण साथ में करते हैं, यत्वयुक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। अब पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे, ओम श्री परमात्मनि नमः अथ एकादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं घुह्य मद्यात्मसंगीतं यत्वयुक्तं वचस्तेन मोहोयम् विगतो मम। एक बार वापस केवल श्लोक श्लोक का उच्चारण, अर्जुन उवाच, मदनुग्रहाय परमं घुह्य मद्यात्मसंगीतं यत्वयुक्तं वचस्तेन मोहोयम् विगतो मम। नारायण नारायण।